वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। तो दोस्तों वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम स्टीविया के बारे में जानेंगे। वैसे तो शुगर्स के ऊपर वाक्षी ने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर देखिएगा। आपको पता होना चाहिए शरीर के अंदर जब हमें मिठास चाहिए, हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें मिठास चाहिए, तो सबसे अच्छी शुगर्स कौन सी होती है। अब देखिए मार्केटिंग मान लीजिए या लोगों के लिए कुछ नयापन होता है उसको मान लीजिए, लोगों के दिमाग में इस वक्त ये क्रेज़ जा रहा है कि स्टीविया खाना चाहिए। स्टीविया के अंदर थियोरेटिकली दो चीज़ें हैं जिसको प्रमोट किया जाता है। पहली बात कि स्टीविया खाने के बाद बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिलीज़ नहीं होगी। तो बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज रिलीज़ नहीं होगी तो किसके लिए फ़ायदेमंद बना? डायबिटिक्स के लिए। तो जितने भी डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो सब स्टीविया खा लो, एक तो ये प्रमोशन हुआ। ठीक है, थ्योरी में तो आप इसे गलत प्रूव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ग्लूकोज रिलीज़ नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है बॉडी में ग्लूकोज बढ़ ही रही है, तो डायबिटिक वाले खाओ। स्टीविया जो है वो आती भी नेचुरल तरीके से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पत्तियाँ हैं, तो एक पौधा होता है स्टीविया का। अब जब नेचुरल तरीके से, कोई लैब में तो बन नहीं रही, तो स्टीविया का पौधा है जहाँ से पत्तियाँ आ रही हैं, वो पत्तियाँ खाकर मेरी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज़ नहीं हो रहा, तो डायबिटिक पेशेंट खा ले तो प्रॉब्लम क्या है? थ्योरी तो सही है, तो खा लेनी चाहिए। चलो अभी मानकर चलो कि ये खा लेनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर जो प्रमोशन किया जाता है वो किया जाता है कि भैया वज़न नहीं बढ़ाएगी, वेट लॉस में मदद करेगी। ये भी थ्योरेटिकली सही है। वज़न कैसे बढ़ता है? कुछ भी खाओगे, खाने के बाद ग्लूकोज रिलीज़ होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन जो है चर्बी बनाएगा। तो आप क्या अब कुछ ऐसा खा रहे हो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा? मिठास तो दे रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो वज़न बढ़ेगा कैसे? तो वज़न हर रोज़ चल रहे हो फिर रहे हो, घट तो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो दो क्षेत्र हैं जहाँ पर स्टीविया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। पहली बात कि डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे हैं, दूसरी बात जिन लोगों का वज़न बढ़ रहा है उसको कम करना चाहिए, इसके लिए अच्छा है। दोनों के अंदर जो थ्योरी बता रही है वो चीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल में देखने में आ भी रहा है, लेकिन वाक्षी इससे एक अलग तर्क दे रही है जिसको आप समझने की शायद कोशिश करेंगे। जो लोग मार्केटिंग के अंदर, आडंबर के अंदर इन सारी चीज़ों में नहीं फंसना चाहते, वो इसके दूसरे पक्ष को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है मार्केटिंग जो बोलती है उसी के हिसाब से आगे बढ़ जाएं। पहला सवाल ये उठता है, स्टीविया मान लिया नेचुरल है, मान लिया पत्तियाँ सब कुछ है, लेकिन जब ये इतना ही प्राकृतिक और नेचुरल था तो USFDA ने इसको 2000 से पहले बैन क्यों किया हुआ था? भाई कोई एक नॉर्मल पौधा है, वो पौधा प्रकृति ने हमें दिया है, उसने कभी सेब को तो बैन नहीं किया, संतरे को तो बैन नहीं किया, तो स्टीविया को बैन क्यों किया? ये रिसर्च का विषय, मेरे पास समय का अभाव था, मैं इसे जान नहीं पाया, ढूंढ नहीं पाया। समय मिलेगा तो किसी सेपरेट वीडियो में जानकर आपको रिजल्ट भी दूंगा, लेकिन प्रश्न तो है, जानना तो ज़रूरी है कि USA वालों ने इसे बैन क्यों किया। अब इसमें भ्रमराना मत, खुद अपनी रिसर्च अपने आप करना, मैं भी कोशिश करूँगा आप भी। तो एक बार ये तो हम जाने कि USFDA ने इसको बैन क्यों किया था, ये कोई जहरीला कोई मच्छर मारने की दवाई तो थी नहीं, पत्तियाँ हैं, दुनिया खा रही है, खाने से कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो बैन करने की क्या बात है, लेकिन इसको बैन किया गया था, ये एक रिसर्च का विषय। दूसरी बात कॉन्सेप्ट को समझिए। अब एक प्राकृतिक चीज़ समझिए, स्टीविया हम कहते हैं कि प्राकृतिक है, भाई मान लिया प्राकृतिक है, तो ये पिछले 20-30 सालों में ही प्रकृति ने हमें दी है क्या? उससे पहले क्या हज़ारों सालों से ये कहीं पे गुमनाम थी, पताल लोक में थी, कि किसी को पता नहीं था इसके बारे में? तो दूसरा सिद्धांत जो वाक्षी लेकर आती है वो ये लेकर आती है कि भैया हमें वही चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए खाने पीने में जो हज़ारों सालों से उपयोग में होते आए हैं। गुड़ की शक्कर है जिसे जैगरी पाउडर आप बोलते हो, जब आप बॉडी के अंदर डालते हो तो बहुत कम ग्लूकोज रिलीज़ करती है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज़ नहीं करती। गुड़ और गुड़ की शक्कर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज़ नहीं करती। कई लोगों को लगता है कि भैया ये अगर थोड़ी रिलीज़ करती भी हो तो दूसरी हमारे देश में नारियल शुगर हज़ारों सालों से उपयोग हो रही है। नारियल से ना मिठास बना लेते हैं हल्की सी, अब नारियल में मिठास कितनी होती है? बहुत हल्की, हल्की हल्की मिठास देगी लेकिन नुकसान नहीं करेगी। तो गुड़ की शक्कर और नारियल की मिठास, अब नारियल की मिठास मुश्किल से इतनी सी मिठास देती है, मैं कहता हूँ कोई इंसुलिन भी लेता हो अगर वो भी नारियल की शुगर खा ले तो उसके बॉडी में भी शुगर बढ़ेगी नहीं। उनमें और स्टीविया में हल्का अंतर क्या है? उनके साथ हज़ारों सालों का इतिहास है कि शरीर में ये जाने के बाद लोगों के शरीर को इसने बनाया है, बिगाड़ा नहीं है, इसका इतना बड़ा इतिहास नहीं है। अब कुछ लोग इसमें प्रयोग करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर 20 साल बाद रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि स्टीविया तो 30 साल पहले आई थी, USA वालों ने इनको प्रमोट किया, हमारे देश ने तो कभी देखा नहीं इसको, विदेश की आई हुई है, और विदेशियों के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं हम ये भी नहीं समझ सकते। तो इस चक्कर के अंदर वाक्षी का ये मानना है कि भाई जब गुड़ की शक्कर और नारियल की शुगर से आपका काम चल सकता है, आप समझ रहे हैं, तो
तो आप स्टीविया की तरफ भागो क्यों? हम इस सिद्धांत को लगाते हैं, किसी की मजबूरी फंस गई, किसी को लगता है मैं जैगरी पाउडर कोकोनट शुगर सर यूज़ ही नहीं कर पा रहा, तो समझ में आता है, नहीं तो उसको अपनी जो पुराने हजारों साल की प्रक्रिया उसको छोड़कर किसी नई चीज़ पे विदेशी चीज़ के ऊपर भागना समझदारी नहीं है। हालांकि इन बीजों को अब इस वक्त देश में लेकर उगाना शुरू कर दिया है तो हमारे देश में भी बहुत अथाह मूव कर रही है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है जिसके पास पुराना इतिहास है क्यों जा रहे हो। तीसरा एक लॉजिक है, तर्क, उसको समझने की ज़रूरत है। बचपन से आज मेरी उम्र कितनी है, 37 साल। अब एक लॉजिक समझिए, हमारी बॉडी जो है उसको हमने बचपन से क्या बताया? ये तो आप मानते हो ना कि जिस चीज़ के लिए हमने शरीर को तैयार किया है शरीर उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। आप समझिए, आप समझ के देखिए होता क्या है, मेरी जीभ के ऊपर जैसे ही मैं चीनी का एक दाना रखता हूँ, अब सोचिए इस दाने को रखने के बाद क्या होता है, पहला सिग्नल जाता है ब्रेन में, ब्रेन क्या करता है बॉडी के अंदर इंसुलिन की रिलीज जो है शुरू कर देता है, उसको पता चल जाता है भाई बॉडी के अंदर ग्लूकोज आने वाला है, तो भैया इंसुलिन, पैनक्रियाज को बोलता है इंसुलिन निकलो, क्योंकि ऊपर मैंने अभी सिग्नल पकड़ा है कि कोई चीनी जैसी पदार्थ आ रही है उसको तुम न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर निकलो, तो वो निकलना शुरू हो जाता है और उस ग्लूकोज को कैप्चर करके ख़त्म करना शुरू कर देता है। नॉर्मल ये प्रक्रिया जो विज्ञान हमें बताती है। अब स्टीविया मेरे परिवार वालों के लिए और मेरी उम्र के लोगों के लिए नई चीज़, 37 साल से मैंने अपनी बॉडी को क्या बोला, जब भी मैं जीप पे, क्योंकि इसके अलावा धरती पर जितनी मीठी चीज़ें हैं वो शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज या फ्रक्टोज देगी ज़रूर, कम दे ज़्यादा दे, देगी ज़रूर, यानी मेरे ब्रेन को आदत है कि जीप पे जब भी कुछ रखा जाएगा वो थोड़ा सा इंसुलिन ज़रूर निकालेगा। अब ये चीज़ है उसके लिए नहीं, इसको आपने रखा जीप पे रखा तो कुछ सिग्नल वो देगा ना दोबारा, वो बोलेगा पैनक्रियाज को भैया तो इंसुलिन निकाल, इंसुलिन निकल गया, अब इंसुलिन आया वो कह रहा है भैया मुझे ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज मिल नहीं रहा, वो कह रहा है ये कौन सी नई चीज़ है। हालांकि इसके लिए बॉडी खुद को अडेप्ट कर सकती है समय के बाद, लेकिन मैंने आपको एक ऐसी थ्योरी का, एक ऐसे तर्क की बात दी है जिन तर्कों के बारे में नॉर्मल आम आदमी सोचता नहीं है। ऐसे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं जो इसके साथ जुड़े हों। इसमें एक सिद्धांत है जो वाक्षी बोलती है, वो ये, पिछले 50 सालों में हमने अपने खाने पीने के साथ जो दुरुपयोग किया है, जो इसके साथ सत्यानाश किया है, उससे हमारा शरीर बहुत दुर्बल और कमज़ोर हुआ है। मेरा मानना है कम से कम अगले 40-50 सालों के लिए पहले उन सारी चीज़ों को रीगेन कर लो जो हमारे पूर्वज हजारों सालों से खाते आ रहे थे। मैं ये कहता हूँ 90 से 99% अगर हमारे बच्चे अच्छा खाना खा रहे हों, फिर थोड़ा बहुत इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हों, तो समझ में आता है। अभी हमारे देश में 2023 में हालत ये है, बच्चे 90 से 95% तो बकवास खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, ऊपर से मार्केटिंग वाले जो हैं इनको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को और घुसाए जा रहे हैं, तो इससे क्या है, माइंडसेट सही नहीं बैठता। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, अपने गुड़ की शक्कर को खाओ, कोकोनट शुगर को खाओ, ज़्यादा कम चाहिए, इंसुलिन पियो, नारियल की शुगर को खाओ, खजूर से भी शुगर बनती है जिसे पाम जैगरी शुगर बोलते हैं, तो ये पाम जैगरी या पाम शुगर खाओ, ये सारी हमारे देश की पुरातन संस्कृति से, परंपराओं से आई हुई शुगर है। किसी वजह से इन्हें ना खा पाओ तो स्टीविया की तरफ जाओ, अदरवाइज स्टीविया की तरफ मत कूदिए, क्योंकि कल को इसमें 10-15 साल बाद विदेशी तो बोल देंगे भैया हमारी, जैसे इन्होंने 2000 से पहले बैन किया हुआ था, हो सकता है 15 साल बाद फिर बैन कर दें, कहते जी ये बीज निकाला था जी, बीज के अंदर ही ये दिक्कत हो गई थी, तुम्हारी तो दिक्कत हो गई थी, हमारे तो 20 साल ख़राब हो गए, तो जवाबदेही किसी के पास नहीं रहती, और ऐसा इतिहास से हम सीखते आए। तो इस चीज़ से मुझे लगता है कि ये नहीं। अब अगर आपको लगता है कि सर मैंने स्टीविया यूज़ ही करनी है, किसी वजह से आपको नहीं वो मदद कर रहे, मैंने तो जीत पकड़ ली, मैंने यूज़ ही करनी है, तो क्या यूज़ करूँ? स्टीविया की पत्तियाँ मैंने आपको दिखाई, सबसे पहले तो ये होती हैं, तो क्या स्टीविया की पत्तियाँ यूज़ कर लूँ? सबसे ज़्यादा प्राकृतिक ये है, स्टीविया की पत्तियाँ आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ समस्या ये है, पत्ती को जब डालोगे तो मिठास तो तब देगी ना जब कोई चीज़ गर्म होगी, चाय में डालोगे तो थोड़ी मिठास देगी, अब आपने ठंडी खीर में डाली है, मिक्स कर रहे हो, मिठास देगी कैसे? तो एक तो इसके साथ समस्या ये है कि ये गर्म चीज़ों में ही केवल डल सकती है, ठंडी में इतना मज़ा नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके साथ में है वो ये प्रॉब्लम आएगी कि ये पहले थोड़ी मिठास देती है, बाद में थोड़ी कड़वाहट देती है, तो आप जब इसको खीर में या चाय में डालोगे आप करोगे टेस्ट बड़ा अजीब हो रहा है, मुझसे तो खाई नहीं जा रही। तो कभी भी ऑर्गेनिक स्टोर पर जाओ तो हालांकि पत्ती सबसे ज़्यादा नेचुरल है लेकिन आपके पैसे वसूल नहीं कर पाएगी और आपको ये फेंकनी पड़ जाएगी। तो आपको कभी भी ये यूज़ करना है तो इस चीज़ को समझिए, पत्तियाँ हालांकि नेचुरल है लेकिन मेरे लिए यूज़ करनी मुश्किल रहेगी। उसके बाद में दूसरा सबसे नेचुरल तरीका क्या होता है, पाउडर। अब इस पाउडर के ऊपर भी बहुत बड़ा खेल चल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब वैज्ञानिकों को, जितने भी अंग्रेज़ हैं उनको क्या पता है कि स्टीविया में क्या है, हल्की सी पहले मिठास देगी और बाद में थोड़ी कड़वाहट। अब उनको तो माल बेचना है तो बेचने के लिए उन्होंने क्या करा, लैब के अंदर मिठास तो अलग निकाल ली, तो मिठास तो उन्होंने अलग निकाल ली जिसे स्टीवियोसाइड का नाम दे दिया,
और ऐसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल है जो थोड़ा सा कड़वा है, उसको अलग कर दिया। अब आपने क्या करा, प्राकृतिक चीज़ तो थी, उसके साथ छेड़खानी तो कर दी। अब उसमें से खाली मिठास निकाल रहे हो तो केमिकल भी डालोगे, वो सारे केमिकल का वो बताते नहीं है। वो स्टीविया का पाउडर या ड्रॉप भी आपको देंगे, जबकि उन्होंने क्या किया हुआ, इसमें से केवल मिठास निकाली हुई है। स्टीविया नेचुरल है, स्टीविया नेचुरल, स्टीविया तो नेचुरल थी, तुमने क्यों लैब के अंदर छेड़ा इसको, मत छेड़ो इसको फिर, अगर इतना नेचुरल है तो। इस बारे में वो बताते नहीं है, इसीलिए स्टीविया का, जैसे हम ये आपको हरा पाउडर दिखा रहे हैं, जितने पाउडर मार्केट में इस वक्त देखोगे वाक्षी के अलावा या कुछ कंपनीज के अलावा, वो सफ़ेद रंग के होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि भाई पत्ती हरी है तो पीसोगे तो हरा पाउडर आएगा ना। वो क्या करते हैं, पत्ती तो हरी है, पीसने के बाद पाउडर सफ़ेद देंगे आपको, और हम लोग पूछते भी नहीं है कि भाई ये पत्ती हरी थी, सफ़ेद पाउडर कैसे आया। वो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने लैब में उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद में क्या लिख दिया, नेचुरल स्टीविया। आप सोचते हो पाउडर सही है, तो इन सारी चीज़ों से भी बचना होता है, इसलिए हम वो पाउडर आपको रिकमेंड नहीं करते। तो हमारे स्टोर पर जो पाउडर अगर मिलता भी है तो पत्तियों से हरा पाउडर है, ये नेचुरल चीज़ है जी, खानी है तो इसको खा लो, क्योंकि लैब के अंदर छेड़खानी करके अगर आप चीज़ दोगे तो ऑर्गेनिक स्टोर से तो वो नहीं मिलेगी। किसी भी चीज़ को लैब में छेड़खानी करके आप दे रहे हो, आप मार्केट में बेचो, ऑर्गेनिक में नहीं बिक सकती। इसीलिए जो ये कंपनी ऑर्गेनिक डाइट, इसको कहा गया कि भैया तू सीधा पत्ते से पाउडर पीस के मेरे ग्राहकों को दे, लैब में छेड़ी हुई चीज़ तो कस्टमर तक नहीं जाएगी। अब कोई व्यक्ति फिर भी जिद पे आ जाएगा, सर खिलाई दो कैसी भी हो, हमें तो मिठास चाहिए और स्टीविया की चाहिए, हमें नहीं है, फिर जाकर ये ड्रॉप आती है। ये ड्रॉप भी बिना लैब के इंटरफेरेंस में बनती नहीं है, इसीलिए वाक्षी पर ये ड्रॉप आपको दी नहीं जाती। आपको बता दिया जाता है सर नेचुरल नहीं है, नेचुरल है पत्ती और पाउडर, अगर बहुत ज़िद कर रहे हो तो इन दोनों पे आ जाओ और इनसे काम चला लो। आप कहते हो नहीं भैया उसके बाद भी मुझे चाहिए ही है, वैसे ऐसे हैं नहीं हमारे बेनिफिशरीज, उन सारी चीज़ों को समझते हैं, तो अब मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। तो आपको करना क्या चाहिए, जैगरी पाउडर और कोकोनट शुगर पे टिके रहो, चाहे कितनी भी शुगर हो, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाए कोकोनट शुगर ले लो, डेट पाम शुगर ले लो, लेकिन स्टीविया पे मत आओ। स्टीविया पे अगर आ भी रहे हो तो पत्ती पे और पाउडर पे टिक जाओ, इसके अलावा मत जाओ, और दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। तो इन कॉन्सेप्ट को समझकर अगर स्टीविया अपने घर में लेकर आएंगे तो नुकसान होने के चांसेस कम है, शरीर दिन पे दिन दुर्बल होता रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर है, कोक पी रहे हैं आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर है, अब इससे कौन सा मर जाएंगे, मर जाएंगे। अब होते होते ये हो गया, सुबह से शाम तक जहर ही खा रहे हैं हम। इन सारी चीज़ों को जब हम फंडामेंटल सिद्धांतिक रूप से रोकेंगे ना, तब सुबह से शाम तक खाने वाली चीज़ें हमारी अच्छी हो पाएंगी। ऐसा सोचकर अगर यूज़ करेंगे और बच्चों को सही माइंडसेट से आगे बढ़ाएंगे, तभी जाके हम खाने में होने वाली मिलावट को रोक पाएंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।